नए साल में हुड़दंगियों से निपटने यातायात पुलिस ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। 31 दिसंबर की शाम से ही शहर के प्रमुख चौराहों में यातायात पुलिस के कर्मचारी अपने अधिकारी के साथ तैनात रहेंगे, जिनकी ड्यूटी आधी रात के बाद तक जारी रहेगी। ट्रैफिक पुलिस द्वारा शराब पीकर वाहन चलाने वालों, दोपहिया में 3 सवारी वाहन चालकों पर विशेष नजर रखी जाएगी। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी देर रात तक स्वयं व्यवस्थाओं पर नजर रखेंगे। शहर के अंदरूनी क्षेत्रों में भी वाहन चालकों पर नजर रखने यातायात के कर्मियों को तैनात रखा जाएगा। इसकी जानकारी डीएसपी ट्रैफिक सतीश ठाकुर ने दी है। नव वर्ष को ध्यान में रखते हुए यातायात पुलिस ने अपनी पूरी तैयारी करके रखी हुई है। जहाँ जहाँ भीड़भाड़ वाले इलाके हैं, होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, जहाँ भीड़ रहने की संभावना है, जहाँ पे जाम की स्थिति निर्मित हो सकती है, जैसे सिटी सेंटर मॉल है, सिविक सेंटर है, इंदिरा मार्केट है, तो ऐसे जगहों में हम लोगों ने पेट्रोलिंग भी लगाई है, फिक्स पिकेट भी लगाए हुए हैं। और ऐसे वाहन चालक जो शराब पी के वाहन चलाते हैं, उसके लिए भी हमारी जो ब्रेथ एनालाइजर की टीम है, वो भी हम लोगों ने सबको रखा हुआ है। और सभी से भी हम लोग लगातार अपील कर रहे हैं कि नव वर्ष को शांतिपूर्वक मनाएं, वाहन न चलाएं, शराब पी के वाहन न चलाएं, इससे स्वयं भी दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं और सामने वाला व्यक्ति भी दुर्घटना का शिकार हो सकता है। तो हमारी पूरी पेट्रोलिंग तैयार है, क्रेन पेट्रोलिंग भी है, और लोगों से भी हम लोग अपील करते हैं कि नियमों का पालन करें और व्यवस्था बनाने में यातायात पुलिस का सहयोग करें।